नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शनि अमावस्या का पर्व आने वाला है और इस पर हमने कुछ वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि शत्रु बहुत परेशान करते हैं, बहुत, आज आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की ग्रोथ देखकर जलते रहते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश करते रहते हैं कि उस व्यक्ति को नीचे दबा दिया जाए, या अनावश्यक रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को परेशान करते हैं जो अपने तरफ से अपनी राह पर सीधा चल रहा है। आप अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं, अपनी दुकान पर काम कर रहे हैं, किसी से ना कोई बेकार का सरोकार रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो सीधे व्यक्ति को भी, जो सही राह पे चल रहा है व्यक्ति, उसको जीने नहीं देते, उसको परेशान करने के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। तो आज एक उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप ये उपाय शनि अमावस्या की शाम को जिस तरह से आपको बताया जाए, जिस विधि से बता रहा हूं, उस विधि से करके देखिए, आपको जरूर इसका रिलीफ मिलेगा। अब इसके लिए करना क्या है, शनिवार की शाम को एक चौमुखी दीपक बनाएं। ये जो दीपक बनेगा, आटे का दीपक बनेगा, चौमुखी दीपक बनाना है। इसके अंदर आपने सरसों का तेल डालना है और इसके अंदर काले तेल डालने हैं। ये जो दीपक आप बनाएंगे, ये दीपक लेकर आप किसी भी पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं। इसके साथ चाहिए होंगे आपको 8 नीले फूल। ये 8 नीले फूल लेकर दीपक बनाकर शनिवार की शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये उपाय आपने करना है। आप पीपल के वृक्ष पर चले गए, जो भी आपका शत्रु है, आपने किसी भी पेज पर उसका नाम लिख लिया, छोटी सी स्लिप बना लीजिएगा। इस दीपक को प्रज्वलित करिए। प्रज्वलित करने के बाद पहले, सबसे पहले आपने कार्य करना है, पीपल वृक्ष पर प्रणाम करने के बाद 8 नीले फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का उच्चारण मन ही मन 9 बार करें। इस मंत्र को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो उसकी रिकॉर्डिंग भी प्ले कर सकते हैं, आप उसको भी सुन सकते हैं। मंत्र बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्वरम। ये जो मंत्र है, ये मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और अलग से आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी हमारे चैनल पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इस मंत्र का जाप करेंगे कम से कम 9 बार, या सुन लीजिए या जाप कर लीजिए। उसके बाद जो स्लिप बनाई है आपने, उस स्लिप को दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस स्लिप को जला लीजिए। उसकी जो राख बन जाएगी, आप चाहे वहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मन ही मन शनिदेव से ये प्रार्थना करें कि ये व्यक्ति आपको अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है और आपको उससे मुक्ति दिलाएं। इस दीपक को आप वहीं पर जलते रहने दीजिए। जब दीपक ठंडा हो जाए तो उस दीपक को उठा लीजिए, उसमें से जो 4 बातियां आपने लगाई थी वो निकाल लीजिए। अब इस जो ये आटे का दीपक बनाया है, इसके 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो ये दीपक आप किसी भी गाय को खिला दें, चाहे शनिवार को खिला दें, चाहे अगले दिन रविवार को खिला दें, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि इसको, इस दीपक को आप अच्छे से मसल कर इसको छोटी छोटी गोलियां सी बना लीजिए, इसके अंदर शक्कर मिक्स करके, और फिर इसको चींटियों को डाल दीजिए। यानी कोई भी वस्तु जो आपने प्रयोग करी है, उस वो वेस्ट नहीं जाएगी। इतना सा ही उपाय है और आपकी सभी समस्याओं का, और खासकर शत्रु से संबंधित जो समस्याएं आपको हो रही हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आप उपाय करके देखें, इसका अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।